पहाड़ हमेशा से विस्मय और सुंदरता का स्रोत रहे हैं। डैनी अर्नोल्ड और उनके दोस्त आला दर्जे के पर्वतारोही हैं और परम रोमांच की तलाश में यहाँ आए हैं। वो समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर पित्सपालू पर्वत फतह करने निकले हैं। आप अपनी कुल्हाड़ी जोर से मारते हैं और जैसे ही वो बर्फ की सिल्ली पर पड़ती है, एक आवाज आती है, चटकने की आवाज और बर्फ टूटने की एक फुसफुसाहट सी, वो अद्भुत होता है। लेकिन ऐसे वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कहते हैं कि इस तरह का साहसिक काम जल्द ही असंभव हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। दस साल पहले सर्दियों में आपको पहाड़ों की चढ़ाई करने के लिए इससे कहीं ज्यादा दिन मिला करते थे। पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका, एशिया और यूरोप की कई यात्राओं के दौरान हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, मूसलाधार बारिश और बाढ़ पर नजर रखी है। विनाशकारी सूखा और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का खतरा, लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। वजह है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काम कर रहे असंख्य लोग, जिनमें दुनिया भर के शोधकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े उद्यमी और संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक समुदाय शामिल है। कुछ खास इलाकों के लिए शायद इन कोशिशों में देर हो गई, जैसे हमारे पहाड़ों पर अब कम बर्फ है और ग्लेशियर भी घटे हैं। आज के यूरोपीय आल्प्स आने वाले वक्त में बस यादों में रह जाएंगे। ये बहुत ही नाजुक वक्त है। अगर हमने प्रकृति की चेतावनियों पर ध्यान देकर कोई कदम नहीं उठाया तो हम खुद को मानव निर्मित गर्म युग के कगार पर पाएंगे। के सबसे ठंडे क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के हॉटस्पॉट हैं, जैसे आर्कटिक, अंटार्कटिक, अलास्का और रूस के विशाल परमाफ्रॉस्ट इलाके। निकिता जिमोव वैसे तो गणितज्ञ है, लेकिन रूस के सुदूर पूर्व में उन्होंने जो कुछ देखा उसने उन्हें रास्ता बदलकर जलवायु कार्यकर्ता बनने के लिए प्रेरित किया। अब उन्होंने अपना जीवन पृथ्वी की सतह के नीचे बर्फ सी जमी हुई मिट्टी की परत को संरक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया है। वो यहाँ साइबेरिया के रिपब्लिक ऑफ सेखा में कोलिमा नदी के किनारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि परमाफ्रॉस्ट अब स्थायी नहीं रहा। पृथ्वी 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुकी है, जिससे बर्फ की ऊपरी परत पिघल गई है और दुर्लभ जीवाश्म फिर से सतह पर दिखने लगे हैं। तो ये एक बड़े मैमथ का पांव है। ये सबसे बड़ा वाला नहीं है, बल्कि औसत आकार है। 20, यानी प्लाइस्टोसीन काल में यहाँ इकोसिस्टम बहुत विशाल था और हर किलोमीटर पर एक मैमथ था जो 40,000 साल तक रहे। अब यहाँ इस वर्ग किलोमीटर पर औसतन करीब 600 कंकाल पड़े हैं, यानी हर थोड़ी दूरी पर एक। जहाँ भी आप देखें, पहाड़ी ढलाने नीचे नदी में गिर रही हैं, जो परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का नतीजा है। जिमोव ने प्रभावित पौधों को ज़ॉम्बी करार दिया है, क्योंकि जिस मिट्टी में वो उगते हैं वो 40,000 वर्षों से जमी हुई है और इसलिए उसमें जीवन नहीं है। ये पौधे जल्द ही पानी में दोबारा गायब हो जाएंगे। यहाँ इस नदी के तट पर अभी जो हो रहा है और जल्द ही रूस के बड़े हिस्से में भी होगा, वो जलवायु में नाटकीय परिवर्तन ला सकता है। परमाफ्रॉस्ट में निष्क्रिय पड़े बायोमास की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर जमीन में जमा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उड़कर हवा में मिल गए तो जलवायु परिवर्तन की गति नाटकीय रूप से तेज हो जाएगी।
तो ये उन घासों की जड़ें हैं जो लगभग 40,000 साल पहले यहाँ उगी थीं। यहाँ समस्या ये है कि ये कार्बन का विशाल भंडार है। इन सभी छोटी जड़ों को लें और इन्हें तराजू में एक तरफ रख दें, दूसरी तरफ इस ग्रह की सारी वनस्पति रखें, तो आप देखेंगे कि इन छोटी छोटी जड़ों का वजन ज्यादा होगा। अगर परमा फ्रॉस्ट हर जगह पिघलने लगेगा तो ये सब रोगाणुओं का भोजन बन जाएगा और बहुत जल्द ग्रीन हाउस गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में तब्दील हो जाएगा। ये बर्फ है, विशुद्ध बर्फ, और देखिए ये बर्फ पिघलकर पानी बनकर इस मिट्टी में मिल रही है, जिससे मिट्टी के ये तालाब बन रहे हैं जो इस ढलान से नीचे बह रहे हैं। यहाँ बहुत तेजी से बर्बादी हो रही है। ये ढेर सारे कार्बन और ढेर सारी बर्फ का साझा रूप है जो बहुत तेजी से एक कार्बन बम की सूरत लेता जा रहा है। एक स्वनिर्मित दुष्चक्र जिसमें ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती जा रही मात्रा निकलती है, जिससे तापमान और बढ़ जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए हमें उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। जर्मनी में हालात एक अतिरिक्त चुनौती खड़ी करते हैं। जर्मनी में परमाणु ऊर्जा को सिलसिलेवार तरीके से हटाने की प्रक्रिया में 2021 के अंत में ब्रोकडॉर्फ बिजली संयंत्र बंद हो चुका है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार अब भी छोटे स्तर पर है, लेकिन साथ ही कोयला, तेल और गैस से ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड कम होने के बजाय और बढ़ रही है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का बढ़ना जारी है। 2020 में जब कोविड महामारी शुरू हुई तो थोड़ी गिरावट आई, लेकिन अगर हम 2030 तक उत्सर्जन नहीं घटा पाते हैं तो हम 55 अरब टन उत्सर्जन कर रहे होंगे और सदी के अंत तक पृथ्वी लगभग 3 डिग्री तक गर्म हो जाएगी, जिसके परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। उन हालात को रोकने के लिए हमें 2030 तक वायुमंडल में उत्सर्जन को 25 गीगाटन तक रोकने की जरूरत है। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड और सभी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 50% की कटौती। प्रोफेसर निकलास होई ने 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से सबसे बड़े उत्सर्जकों की पर्यावरण नीतियों पर नजर रख रहे हैं। एक ऐसा काम जिसने बीते वर्षों में सिर्फ निराशा ही बढ़ाई है, क्योंकि सरकारें बातें तो बहुत करती हैं, लेकिन कार्रवाई ना के बराबर। हालांकि थोड़े उलट फेर की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोयला, तेल और गैस को वाकई चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के बारे में गंभीर हो रहा है। 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऐसे देशों की संख्या बढ़ रही है जो उत्सर्जन में पूरी तरह कटौती करके खुद को क्लाइमेट न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य तय कर रहे हैं। जर्मनी के कोलोन में न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने जरूरी कदमों को 3 श्रेणियों में बांटा। पहली श्रेणी सबसे आशावादी है, जिसमें जलवायु लक्ष्यों के पूरा होने की बहुत संभावना है और जिसमें अक्षय ऊर्जा में काफी बढ़त होना भी शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए 2030 तक 30 गीगाटन कम उत्सर्जन की जरूरत होगी। ये दिखाने के लिए कि इसका क्या मतलब है, हम एक फुटबॉल स्टेडियम को छोटे मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये है आलियांस अरीना, फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख का होम ग्राउंड। यहाँ साल में एक बार पूरे स्टेडियम में नई घास बिछाई जाती है। जलवायु को बचाने की कोशिश करने वालों का काम ये सुनिश्चित करना है कि सब कुछ इको फ्रेंडली हो। उस 30 गीगाटन उत्सर्जन कम करने के लिए वाकई पूरी पिच ढकनी होगी। क्या ऐसा संभव है भी? अब मुद्दे की जड़ में चलते हैं। नॉर्वे अपनी झीलों, तालाबों, नदियों और झरनों की भरमार के लिए मशहूर है। इनमें जमा बेशुमार पानी लोगों के लिए ऊर्जा की लगभग निरंतर आपूर्ति कर सकता है, जैसा कि नॉर्वे के लोग करते हैं। यहाँ
यहाँ दक्षिणी नॉर्वे के टोनस्टाड पावर प्लांट में गाउटे तियोहोम एक चट्टानी पहाड़ी के अंदर मानो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। वो हमें दिखाएंगे कि ये देश कैसे 1600 हाइड्रो इलेक्ट्रिक केंद्रों यानी जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए खपत से ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करता है। टोनस्टाड केंद्र अकेले ही 15 लाख लोगों के शहरी घरों की जरूरत जितनी बिजली पैदा करता है। यहाँ पानी 440 मीटर गहरा है। इस परियोजना की अधिकतम क्षमता 320 मेगावाट है, यानी सामान्य पवन चक्की से 100 गुना ज्यादा। ये नॉर्वे की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। और सारी अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ जाती है? सबसे पहले यहाँ इस सब स्टेशन में, जो संयंत्र से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से जर्मनी तक एक उप समुद्रीय केबल जाता है, जिसके जरिए दोनों देश जरूरत के मुताबिक साफ हरित ऊर्जा भेज या प्राप्त कर सकते हैं। जब जर्मनी में ज्यादा ऊर्जा उत्पादन होता है तो वो हमें भेज सकते हैं और हम अपनी मशीनें बंद करके भविष्य के लिए अपना पानी बचा सकते हैं। जब जर्मनी में हवा नहीं चल रही होती तो हम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं और वहाँ भेज सकते हैं। यानी हम इसका बेहतरीन लाभ उठाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पानी से समृद्ध नॉर्वे और तेज हवा वाले जर्मनी के बीच सीधा बिजली लिंक मई 2021 में ऑनलाइन हो गया। नॉर्ड लिंक बिजली के तारों के बज वाले टोनस्टाड और उत्तरी जर्मनी में हम की आवाज करने वाले 1400 मेगावाट के विल्स्टर कस्बे के बीच आपूर्ति करता है। अगर कानूनी आपत्तियों की वजह से देश के दक्षिण तक इस प्रोजेक्ट के योजनाबद्ध ज्यूड लिंक विस्तार में देरी नहीं हुई होती तो उत्पादन और मांग का ये संतुलन जर्मनी के अंदर भी काम करता। इस देरी का नतीजा ये हुआ कि उत्तरी जर्मनी में तेज हवाओं की वजह से तार गर्म हो जाते हैं और पवन चक्कियों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ता है। यानी बेशकीमती हरित ऊर्जा की बर्बादी, मानो हरित बिजली हवा में खोसी गई। नॉर्ड लिंक में कम से कम ऐसी कोई फिजूल खर्ची तो नहीं है। हम यहाँ जर्मन पवन ऊर्जा को नॉर्वे की जल विद्युत ऊर्जा से जोड़ रहे हैं। इसके लिए सिस्टमों को और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि दोनों ऊर्जा स्रोतों का पूरा लाभ उठाया जाए। नॉर्ड लिंक यूरोप के लिए दुनिया को दिखाने लायक प्रोजेक्ट है, जो जर्मनी के बदलते ऊर्जा इस्तेमाल और अक्षय ऊर्जा के विस्तार को दिखाता है। फिर भले ये सिर्फ पहला कदम हो। अब तक ज्यादातर बदलाव बिजली को लेकर रहा। अब हमारे ग्रिड में 50% अक्षय ऊर्जा है, लेकिन इससे कुल ऊर्जा जरूरतों का सिर्फ 10% ही मिल पाता है। तो अगले 25 सालों में 90% और पाने के लिए अब रफ्तार बढ़ाने का वक्त आ गया है। 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों में आवश्यक कटौती की बात करें तो उपायों में पहला और सबसे कम चुनौतीपूर्ण क्या है और वो कैसे मददगार होगा? अक्षय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, चीन में कम कोयला आधारित बिजली, भारत में कटौती और कम फ्लोराइड युक्त ग्रीन हाउस गैसें, ये थोड़े सरल उपाय हैं जिन्हें जल्द से जल्द लागू किया जा सकता है। अगर ये सब साथ किया जाए तो इसका मतलब लगभग 3.7 गीगाटन की कटौती करनी होगी। हमारे फुटबॉल स्टेडियम के नमूने में हरे रंग का पहला पैच दिखा रहा है ग्रीन हाउस गैसों में 3.7 गीगाटन की गिरावट, पूरे 30 गीगाटन का अच्छा खासा 12%, जिसे 2030 तक पूरा करना ही होगा। जलवायु परिवर्तन के हर तरफ पड़ रहे प्रभावों से वैश्विक असमानता और अन्याय बढ़ रहा है। जहां समृद्ध उत्तरी गोलार्ध हवा को अब भी लगातार प्रदूषित कर रहा है, वहीं इसका बोझ उठाने वाले लोग मुख्य रूप से दक्षिण की ओर हैं, ज्यादातर भूमध्य रेखा के आसपास इंडोनेशिया जैसे देशों में। हिंद महासागर के किनारे स्थित इस छोटे से गांव को पेंटाई बहागिया कहा जाता है। समुद्र के बढ़ते स्तर और मूसलाधार बारिश ने इस खुशहाल समुद्र तट को पानी में डुबो दिया है। ये हाल सूखे मौसम के दौरान है। यहाँ के आधे से ज्यादा बच्चों को पहले ही स्कूल से निकाल लिया गया है। माता पिता का कहना है कि नमी और बदबू वाली कक्षाएं उन्हें मंजूर नहीं। शिक्षक मुस्जाहिदी रहमतुल्ला खुद प्राथमिक विद्यालय के छात्र हुआ करते थे और अब मुश्किल हालात में पढ़ाई करवाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वो हमें बताते हैं कि 2013 में पहली बार उनकी कक्षा में पानी भरा था।
यहाँ हम सभी के लिए ये एक बड़ी मुश्किल है। हमें अक्सर विद्यार्थियों को घर भेजना पड़ता है, क्योंकि जब ज्वार आता है तो उनकी टांगों तक पानी भर जाता है। कक्षाएं लगातार चला पाना असंभव है, जिससे शिक्षकों के सामने पाठ्यक्रम खत्म करने की मुश्किल आ जाती है। यहाँ शिक्षकों का मानना है कि 5 या 6 साल में पूरा स्कूल डूब जाएगा, फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा। लेकिन अब से 3 दशकों में दुनिया का भविष्य कैसा होगा? 2050 में क्या होगा? पहली बात तो ये कि उस समय मौसमी परिस्थितियां सबसे विषम होंगी। समुद्र हमारे 17,000 द्वीपों और ढेर सारे तटों को निगल जाएगा, तो जिंदगी यहाँ पहले जैसी नहीं रहेगी। बीमारियां होंगी, महामारियां होंगी और आपसी संघर्ष से पूरी दुनिया की आर्थिक वृद्धि में रोक लग जाएगी। हम सब एक दूसरे से भोजन, पानी और शायद हवा तक के लिए लड़ रहे होंगे। 2050 में हालात काफी दुखद होंगे। जैसे जैसे अपनी मातृभूमि में रहना असंभव होता जाएगा, लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। जलवायु प्रवासन अभी से हो रहा है और ये तो बस शुरुआत है। पृथ्वी के कई क्षेत्र वाकई रहने लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि या तो वहाँ बहुत गर्मी होगी या बाढ़ आ रही होगी, या मिट्टी खेती लायक नहीं बचेगी। आज हम प्रवास करने वाले लाखों करोड़ों लोगों की बात करते हुए संघर्ष कर रहे हैं, कल हम ऐसे ही अरबों लोगों की बात कर रहे होंगे। इस सदी के मध्य तक करोड़ों लोगों के विस्थापित हो जाने की आशंका है, युद्ध, संघर्ष या उत्पीड़न के कारण नहीं बल्कि जलवायु के कारण। लगता है मानो दुनिया बेहद चिंताजनक भविष्य की ओर बढ़ रही है। ऐसा सिर्फ अलास्का और रूस में ही नहीं होगा, जहां हमें परमाफ्रॉस्ट के पिघलने और मिट्टी के बहने के बाद की तैयारी करनी है। यूरोपीय आल्प्स भी काफी प्रभावित हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख के परमाफ्रॉस्ट विशेषज्ञ मिशाएल क्राउटब्लाटर ने एक शोध परियोजना के लिए वैज्ञानिकों की टीम इकट्ठा की। आज वो एक रोचक जगह का निरीक्षण करने के लिए उड़ान भर रहे हैं। ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा पर स्थित होकफोगेल पर्वत पर चुना गया लैंडिंग स्थल इतना छोटा है कि हेलीकॉप्टर ठीक से नीचे तक नहीं उतर सकता। शिखर के ठीक बगल में एक दरार है, जो 2014 के बाद से तेजी से चौड़ी होती जा रही है। इससे चट्टानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। कई लाख टन चट्टाने किसी भी वक्त घाटी में गिरने के कगार पर हैं। यहाँ करीब 2600 मीटर की ऊंचाई पर माप करना जोखिम भरा काम है। सोचने की जरूरत भी नहीं कि अगर शिखर ढह गया तो क्या हो सकता है। इस चट्टान का कुल आयतन 260,000 घन मीटर है, जो कि बहुत ज्यादा है। 2014 में मापना शुरू करने के बाद से ये 30 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया है और आज ये दर कुछ मिलीमीटर प्रति माह हो चुकी है। विकृतियां इतनी ज्यादा हैं और इतनी तेजी से बदल सकती हैं कि ये सब खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, या तो इस साल या शायद अगले साल तक। पहाड़ तब टूटना शुरू कर देते हैं जब परमाफ्रॉस्ट उन्हें जमा कर एक जगह रखने में सक्षम नहीं रह जाता। और ऐसा सिर्फ मध्य यूरोप में ही नहीं है, सुखद स्विस आल्प्स सचमुच ढह रहे हैं। इसके बुरे नतीजे दक्षिण पूर्व स्विट्जरलैंड के बोंडो गांव के निवासियों पर भी पड़ रहे हैं। एल्वीरा सालिस के लिए उस घर को अलविदा कहने का समय आ गया है जिसमें वो अपनी पूरी जिंदगी रही, आज उसे तोड़ा जा रहा है। जब मैं अपने घर को धीरे धीरे बर्बाद होते देखती हूँ तो दुख होता है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। दो हजार 2017 की गर्मियों में पिज चेंगालो पर्वत पर शुरू हुए एक बड़े भूस्खलन के कारण 30 लाख क्यूबिक मीटर चट्टाने घाटी में गिर गईं।
मुझे अचानक तेज शोर सुनाई दिया और जैसे ही मैंने पहाड़ की ओर देखा, मैंने चट्टान के इन बड़े टुकड़ों को नीचे गिरते देखा। ये लावा जैसा लग रहा था क्योंकि बहुत धीमे हो रहा था और शांत था, सिर्फ बर्फ, पानी और मिट्टी। ये फुटेज एक बढ़ई की दुकान के सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। भूस्खलन में 8 हाइकरों की मौत हो गई और गांव आंशिक रूप से बर्बाद हो गया। जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई और आपदा। पहले यहां घर हुआ करते थे, अब सिर्फ मलबे का ढेर है। एल्विरा सालिस का घर मलबे से भर गया था। अब किसी को भी गांव के इस हिस्से में रहने की इजाजत नहीं है। एल्विरा सालिस को आपदा के बाद अपना गांव छोड़ना पड़ा। तब से वो अपने बेटे के साथ पड़ोसी गांव में रह रही हैं। वो हमें अपने प्यारे 345 साल पुराने पुश्तैनी घर की तस्वीरें दिखाती हैं, जिसे उनके परदादा ने खरीदा था। शुरुआत में मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोई और मुझे बहुत खुशी भी हुई कि मैं घर टूटने के वक्त वहाँ मौजूद थी। लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, आप उन्हें अकेले नहीं मरने देते। मैं भी अपने घर के आखिरी पलों में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। बोंडो के निवासियों के लिए खतरा अभी टला नहीं है। किसी भी वक्त पिस चेंगालों से 30 लाख क्यूबिक मीटर नदी के गांव में बहने का खतरा है। बोंडो और पड़ोसी गांवों की स्थिति को संक्षेप में बताने के लिए एक घर के किनारे तख्ती लगाई गई है। पहाड़ को बुखार है। साइबेरिया और रूस के सुदूर पूर्व में हो रहे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की तुलना अफ्रीका या दक्षिण पूर्व एशिया में समान रूप से नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ भी खतरे में पड़े लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। निकिता जिमोव के पुराने दोस्त की तरह सीधे तौर पर प्रभावित लोगों के लिए इसका मतलब आजीविका नष्ट हो जाना है। लियोनिद नेलेटोव 3 दशकों से ज्यादा वक्त से यहाँ एकांत में रह रहे हैं। सबसे नजदीकी शहर लगभग 80 किलोमीटर दूर है। इतने सालों में वो यहाँ आराम से थे। वो मछुआरे हैं और उनके घर के ठीक पीछे बड़ी झील पर उनका एकाधिकार था। इसमें शामिल मछलियों की सभी विभिन्न प्रजातियों में से सालमन जैसी सफेद मछली सबसे ज्यादा फायदेमंद थी, जो 5 यूरो प्रति किलो से ज्यादा कीमत में बिकती थी। एक औसत मछली का वजन लगभग 15 किलो होता है। लेकिन वो दिन अब लद चुके हैं, क्योंकि अब उनकी झील ही नहीं बची। पहले ये 15 किलोमीटर तक फैली हुई थी, लेकिन अब सिर्फ मुट्ठी भर तालाबों और पोखरों में सिमट कर रह गई है। वास्तव में यहाँ परमाफ्रॉस्ट जमकर कठोर हो गया था और उसने झील को नदी से अलग करता एक प्राकृतिक बांध बना दिया। हालांकि बढ़ते तापमान की वजह से वो जमी हुई बर्फ पिघल गई और आखिरकार वो बांध टूट गया। ऐसा अभी कुछ हफ्ते पहले ही हुआ, एक और तेज गर्मी के मौसम के दौरान। ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पानी खत्म हो चुका है, मेरी झील सूख चुकी है और मेरी सभी मछलियाँ गायब हो गई हैं। वो मेरी आय थीं और अब मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मैं 30 सालों तक इस डर में जीता रहा कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। इसी वजह से मैंने झाड़ियों और पौधों के साथ बांध को मजबूत करने की पूरी कोशिश की। मुझे आशा थी कि ये इतनी जल्दी नहीं होगा। ये मछुआरे अकेले ऐसे नहीं थे जिन्होंने जलवायु के बदलने की गति को कम आंका था। अब शोधकर्ताओं, सरकारों और उद्योग के पास कार्रवाई करने में बर्बाद करने लायक समय नहीं है।
2050 तक यूरोप को पहला क्लाइमेट न्यूट्रल महाद्वीप बनाने के लिए शुरू की गई यूरोपीय संघ की ग्रीन डील सही दिशा में एक कदम है। अतीत में जर्मनी में जलवायु संरक्षण के खिलाफ एक बड़ा तर्क ये था कि कोई और भी तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अब ये काम नहीं करता। अमेरिका के साथ साथ चीन ने भी अब क्लाइमेट न्यूट्रल होने और कोयला, तेल और गैस को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की इच्छा जताई है। यूरोपीय संघ के साथ मिलकर ये देश वैश्विक बाजार का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं, यानी बाकी दुनिया को उनसे जुड़ना ही होगा। अब सवाल ये नहीं है कि हम कोयला, तेल और गैस को चरणबद्ध तरीके से खत्म करेंगे या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि कब करेंगे। पर्यावरण की इस वैश्विक दौड़ में कुछ प्रमुख खिलाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जिनमें हाल के वर्षों में जर्मनी भी शामिल था। लेकिन जैसा कि पूर्व चांसलर अंगेला मर्केल ने पाया, नीति कभी कभी संसदों में नहीं बल्कि अदालतों द्वारा परिभाषित की जाती है। अप्रैल 2021 में जर्मन सरकार को सार्वजनिक रूप से सचेत कर दिया गया, जब देश की संवैधानिक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें चुने हुए नेताओं को जलवायु संरक्षण उपायों में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए कहा गया। ठीक एक महीने बाद नीदरलैंड्स में एक और ऐतिहासिक फैसले में एक अदालत ने बहुराष्ट्रीय तेल कंपनी शेल को अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारी कमी करने का आदेश दिया। दुनिया भर में मिसाल कायम करने वाले दो मामले, वो भी पर्यावरण नीति प्रहरी के रूप में काम करने वाली अदालतों के, आखिरी वक्त में जलवायु संरक्षण के मोर्चे पर आखिरकार अहम कदम। बर्फ पर चढ़ने वाले दानी अर्नोल्ड आज स्विट्जरलैंड के बर्न प्रांत में प्लामोर्टे ग्लेशियर के अंदर जाने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकले हैं। इस दरार की गहराई में उन्हें शानदार बर्फ और चट्टानों की संरचनाएं मिली। यहाँ नीचे ज्यादा लोग नहीं आए हैं। बर्फ हजारों साल पुरानी है और अब भी इतनी ठोस और स्थिर है कि दानी अपनी कुल्हाड़ी इसमें गाड़ सकें और बिल्कुल नीचे तक पहुंच सकें। ये सीधी और खतरनाक चढ़ाई है, एक अनोखा अनुभव, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि ये निकट भविष्य में संभव नहीं हो सकता। Das macht mich natürlich schon auch nachdenklich, wenn ich jetzt überlege, dass ये आपको सोचने पर मजबूर करता है। यदि आप ये ध्यान में रखें कि शोधकर्ताओं के मुताबिक 90 वर्षों के बाद इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा, कोई ग्लेशियर नहीं होगा, ये बहुत दुखद है ना? ये अलेच ग्लेशियर है, स्विस आल्प्स की तरह ही 20 किलोमीटर से ज्यादा लंबा और टुकड़ों टुकड़ों में लगभग 1 किलोमीटर घना। ज्यूरिख में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के गिलोम जुवे इस विशाल प्राकृतिक अजूबे की जांच कर रहे हैं। क्या कम से कम ये दानव, जैसा वो इसे बुलाते हैं, बचा रहेगा? निकट भविष्य में हम वाकई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब ग्लेशियर, जलवायु में बदलाव और 1990 के दशक से इस वक्त के तापमान में वृद्धि पर प्रतिक्रिया दे रहा है। भविष्य में जलवायु की दृष्टि से जो भी हो, ग्लेशियर कम से कम 5 किलोमीटर गलता जाएगा। और अगर तापमान वाकई 4 डिग्री बढ़ जाए तो क्या होगा, जैसा कि अब विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहे हैं। गिलोम जुवे ने गणना की है कि सदी के अंत तक अलेच ग्लेशियर लगभग पूरी तरह गायब हो जाएगा। अगर हम मान लें कि ये जलवायु परिदृश्य ही सही है, तो साल 2100 तक यहाँ बहुत कम बर्फ बचेगी। ये बात साफ है कि यहाँ के इस परिदृश्य में सदी के अंत में कोई बर्फ नहीं होगी। ऊपर जाकर हम कॉनकॉर्डिया अल्पाइन झोपड़ी का दौरा करते हैं।
इसे पिछले कुछ सालों से क्रिस्टोफ सागर और उनका परिवार चला रहा है। वो इसे गर्मियों के लिए तैयार करने आज यहाँ आए हैं। इसमें दुनिया भर से आए 155 मेहमान, जिनमें अल्पाइन हाइकर, स्कीयर और ग्लेशियर प्रेमी शामिल होते हैं, यहाँ रह सकते हैं। कॉनकॉर्डिया झोपड़ी अपने मनोरम दृश्यों के कारण यूरोप में सबसे लोकप्रिय अल्पाइन हॉस्टल में से एक है। ये काम करने के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। मैं अन्य अल्पाइन झोपड़ियों को जानता हूँ जो खूबसूरत हैं, लेकिन मेरे लिए ये काम करने की सबसे कमाल जगह है। लेकिन लगता है कि अलेच गंभीर खतरे में है और खात्मे की ओर बढ़ रहा है। क्रिस्टोफ सागर आल्प्स के सबसे बड़े ग्लेशियर गलने के संकेत दिखाने के लिए झोपड़ी से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरते हैं। तो 1877 wurde die Hütte ये झोपड़ी मूल रूप से यहाँ 1877 में बनाई गई थी। उस समय ग्लेशियर लगभग यहाँ तक आता था, जहाँ हम खड़े हैं। इन 140 सालों में ये इतना नीचे तक पिघल गया है, ये लगभग 150 मीटर गल चुका है। 140 साल में 150 मीटर, यानी हर साल लगभग 1 मीटर। बर्फ तेजी से पिघल रही है, कभी 2, कभी 3 मीटर प्रतिवर्ष। यहाँ तक कि इस विशालकाय ग्लेशियर के भी गिने चुने दिन बाकी हैं। वक्त बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से साइबेरिया और रूस के सुदूर पूर्व के अधिकांश कस्बों और शहरों के लगभग 2.5 करोड़ लोगों पर असर पड़ने की संभावना है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का प्रभाव कितना गंभीर है, परमाफ्रॉस्ट के लिए ग्लोबल टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के लिए गए मापों से हमें एक अनुमान मिलता है। 1996 में गर्मियों में परमाफ्रॉस्ट 45 सेंटीमीटर की गहराई तक पिघल गया था। 2017 तक ये आंकड़ा 87 सेंटीमीटर हो गया है, यानी सिर्फ 20 वर्षों में दोगुना गहरा। इससे लोगों और बुनियादी ढांचे दोनों के लिए खतरा पैदा होता है। इलाके तक गर्म पानी और ऊष्मा पहुंचाने वाली प्राकृतिक गैस और तेल की पाइपलाइनें खास तौर से प्रभावित हैं। ग्रीन पीस ने अनुमान लगाया है कि जमीन के नीचे धंसने के कारण पाइपलाइनों में रिसाव होता है, जिससे लगभग 1% तेल बर्बाद होता है। हर साल लगभग 50 लाख टन तेल जमीन में समा जाता है। रूस के सेखा गणराज्य के आर्कटिक शहर चर्स्की के निवासी इस तीव्र परिवर्तन को देखने वालों में से हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है, सड़कों पर डामर उखड़ने लगा है, कई इमारतें संकेत दे रही हैं कि जिस जमीन पर वो खड़ी की गई थी वो अब उतनी ठोस नहीं रही और धंसने लगी है। कोलिमा नदी पर बसा चर्स्की वैज्ञानिक और जलवायु एक्टिविस्ट निकिता जिमोव का घर भी है। सर्दियों में यहाँ का तापमान भले 0 से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है, लेकिन परमाफ्रॉस्ट मिट्टी का कटाव लगातार जारी है। पुराने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका असर साफ दिखता है। यहाँ की सभी इमारतों की तरह इसे भी ऊंचे खंभों पर खड़ा किया गया था। अभी 2 साल से ही यहाँ धरती धंसनी शुरू हुई है और ये गड्ढा अभी 10 मीटर गहरा हो चुका है। शुरुआत से ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब मैं यहाँ 1 हफ्ते पहले आया था तो वो 2 प्लेटें फिर भी हवा में थी। अब हम आए हैं और वो धंस भी चुकी हैं और जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी जगह खाली हो चुकी है। ये बर्फ बर्बाद हो रही है और आखिरकार ये सब ढह जाएगा।
ये प्रक्रिया एक प्रकार से बढ़ती जा रही है। शायद आज कुछ सेंटीमीटर, दिन गर्म हो तो 10 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास एक संवेदनशील परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र है। और अब जैसे जैसे जलवायु गर्म हो रही है, डामर भी गर्म हो रहा है और बर्बाद होते होते ऐसा दिखता है, यानी आशंका है कि अगले कुछ दशकों में सभी बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो जाएंगे। काफी प्रयास के साथ निजी इमारतों को सुरक्षित करना निश्चित रूप से संभव है, लेकिन रूस के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह से बचाने का विचार एक हारी हुई लड़ाई लगता है। गर्म दौर के शुरुआती संकेत बेहद स्पष्ट हैं। मध्य जर्मनी में केरस्टिन विटियन म्यूस्टरलैंड इलाके की आखिरी बची आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए लड़ रही हैं। गहन खेती और जल निकासी ने जर्मनी के 95% दलदलों को पहले ही बर्बाद कर दिया है। ये जीव विज्ञानी और जलवायु कार्यकर्ता इन अद्वितीय इकोसिस्टमों की दोबारा सिंचाई देखना चाहती हैं। इस तरह उठी हुई दलदल में जो कुछ भी जाता है संरक्षित हो जाता है। अम्लीय स्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का मतलब है कि कुछ खराब नहीं होता। यही चीज दलदलों को जलवायु संरक्षण के लिए इतना मूल्यवान बनाती है। उनमें असीमित मात्रा में कार्बन जमा होता है और उसका बिल्कुल उत्सर्जन नहीं होता। दलदल प्रतिवर्ष सिर्फ 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं। वेनर मूर 6,000 सालों से विशाल मात्रा में कार्बन संग्रहित कर रहा है। जब ये जल निकासी के कारण ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये दलदल रूसी परमाफ्रॉस्ट की तरह कार्बन बम बन जाते हैं। 30% वैसे तो दलदल पृथ्वी की सतह का केवल 3% हिस्सा है, लेकिन इनमें हमारे कार्बन भंडार का 30% मौजूद है। हम इस पैमाने पर बात कर रहे हैं कि अगर ये सब विघटित हो जाएं और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिल जाए तो हमारे सामने एक बड़ी जलवायु समस्या खड़ी हो जाएगी। जहां केरस्टिन विटियन जैसे जलवायु चैंपियन उन बहुमूल्य दलदलों को दोबारा स्थापित करने के लिए तत्पर हैं, पृथ्वी पर बचे बाकी प्राकृतिक स्वर्गों में से कुछ पर तेजी से क्रूर हमले हो रहे हैं। कालीमंतान, बोर्नियो द्वीप का इंडोनेशियाई हिस्सा। जंगल का अधिकांश भाग दलदलों और आर्द्र भूमियों में बसा है। यहाँ जंगल की कटाई का मतलब है दोहरा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। यहाँ काटने और जलाने की प्रथा चलती आई है। बेतहाशा तबाही की मुख्य वजह है ताड़ के तेल की भारी मांग। इसका इस्तेमाल डीजल ईंधन में किया जाता है और ये हमारे रोजमर्रा के अनगिनत उत्पादों में पाया जाता है, जैसे कॉस्मेटिक्स, खाद्य तेल, सूप और कैंडी जैसी हर चीज में। इंडोनेशिया ताड़ के तेल का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है। जहां तक नजर जाती है दूर दूर तक सिर्फ ताड़ के पेड़ नजर आते हैं। इनमें मोहम्मद रोजी के खेत भी शामिल हैं। उन्होंने कुछ साल पहले सिर्फ 2 हेक्टेयर से शुरुआत की थी। अच्छे मुनाफे ने उन्हें अधिक जमीन खरीदने और ज्यादा पेड़ उगाने का हौसला दिया। उनका लगातार बढ़ता व्यापारिक साम्राज्य अब 300 हेक्टेयर तक फैल चुका है। यहाँ कई बारहमासी फसलें हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई फसल नहीं मिली जो ताड़ के तेल से ज्यादा पैसा कमाती हो। और ज्यादा पैसों का मतलब है जंगलों की और ज्यादा कटाई। बोर्नियो से लगभग 11,000 किलोमीटर दूर शोधकर्ता एक नए उपाय पर काम कर रहे हैं। म्यूनिख के तकनीकी विश्वविद्यालय में सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च विभाग में शैवाल और यीस्ट स्ट्रेन पर काफी शोध चल रहा है। प्रोफेसर थॉमस ब्रूक का कहना है कि इनका उपयोग कई तरह के उत्पादों में किया जा सकता है, जैसे कार्बन से बने मजबूत बिल्डिंग ब्लॉक, भोजन, जैव ईंधन और सिंथेटिक ताड़ के तेल में भी, जो एक वैज्ञानिक सनसनी बना हुआ है।
और उद्योगों की ओर से ताड़ के तेल के विकल्प की भारी मांग है। शोधकर्ता अब तेजी से उत्पादन को 1000 लीटर से बढ़ाकर 10 या 1 लाख लीटर तक ले जाना चाहते हैं। अपने रिसर्चरों के साथ मिलकर ब्रूक ने एक बेहद खास और अनोखा यीस्ट स्ट्रेन इजाद किया है। यीस्ट सेल अपने द्रव्यमान का 90% हिस्सा प्राकृतिक ताड़ के तेल के समान गुणवत्ता वाले तेल में बदल सकते हैं। Sie sehen hier einmal die flüssige Fraktion und einmal die feste Fraktion. Ähnlich sieht aufgereinigt. यहाँ हमारे पास तरल अंश और ठोस अंश है, जो शुद्ध ताड़ के तेल जैसा दिखता है। बड़ा फर्क ये है कि हमारी प्रक्रिया का कृषि गतिविधियों और जलवायु की परिस्थितियों से नाता नहीं है। Und Klimabedingungen. और बड़े पैमाने पर पाम ऑयल के उत्पादन से उलट हमें किसी भी जंगल को काटने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा उत्पाद 100% सस्टेनेबल है और पहले से उपलब्ध ताड़ के तेल के साथ व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी भी है। इंडोनेशिया में जो पेड़ कीमती तेल का उत्पादन करते हैं उनके फल का वजन प्रति गुच्छा 50 किलोग्राम तक होता है। किसान मोहम्मद रोजी के यहाँ प्रति माह 1000 टन तक फसल होती है। यहाँ खरीदारों की कोई कमी नहीं है, मांग बढ़ती ही जाती है। म्यूनिख के शोधकर्ता इंडोनेशिया में नौकरियां बर्बाद नहीं करना चाहते। उनका मकसद वहीं जाकर लैब स्थापित करना और स्थानीय किसानों के साथ सहयोग करना है। अब तक इस दिशा में उठाए कदम सकारात्मक रहे हैं। ये एक नया आविष्कार है जो हमारी कृषि पद्धति से तेज और सरल है और भारी मुनाफे वाला है। सभी के लिए दक्षता, मुनाफा और समृद्धि जैसे बहुत सारे फायदे हैं। जाहिर है सभी ताड़ तेल उत्पादकों की इसमें रुचि होगी। हम यहाँ जर्मनी में जो करते हैं उसका बाकी देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम बड़ी मात्रा में आयातित मांस और ताड़ के तेल का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी गतिविधियों का मतलब कहीं और वनों की कटाई या अतिरिक्त उत्सर्जन होता है, इसलिए हमारा व्यवहार मायने रखता है। अपने स्टेडियम वाले उदाहरण पर वापस आते हैं और देखते हैं ग्रीन हाउस गैस कटौती की गणना का मॉडल। अब हम जलवायु विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई श्रेणी संख्या 2 के आखिर में पहुँच चुके हैं। दूसरी श्रेणी के उपाय ऐसे हैं जहां हम पहले से ही जानते हैं कि वो काम कैसे करते हैं, लेकिन एक और कदम उठाने की जरूरत है, यानी उन लोगों का अनुसरण करना जो पहले से तरक्की कर रहे हैं। सबसे पहले अक्षय ऊर्जा के विस्तार में तेजी लाना और वनों की कटाई को रोकना, फिर इलेक्ट्रो मोबिलिटी का विस्तार करना। इन सभी को लागू करने से 12 गीगाटन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम किया जा सकता है। तो पहली श्रेणी की कटौती अब भी कई तरह के उपायों से जुड़ गई है, जो कुल मिलाकर 12 गीगाटन की बचत है, यानी हमारे लक्ष्य का लगभग आधा। जैसा कि आल्प्स में देखा गया है कि बढ़ता तापमान पानी की कमी की वजह बन सकता है। यहाँ तक कि बेहद ऊंचाई पर बने रिसॉर्ट्स भी अब अक्सर नकली बर्फ पर निर्भर होते हैं, जिसे बनाने में पानी और ऊर्जा की बहुत ज्यादा खपत होती है। आल्प्स का लगभग हर गांव पर्यटन पर निर्भर है, जिसका मतलब बर्फ से है। विंटर स्पोर्ट्स के शौकीनों को खुश रखना पहली प्राथमिकता होती है। शो तब तक चलना चाहिए जब तक चल सकता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। ज्यादा ऊंचाई वाले स्रोतों से पैदा होने वाले पानी की बढ़ती कमी आल्प्स के कुछ हिस्सों में संभावित मरुस्थलीकरण के शुरुआती निशान है। ऊपरी बवेरिया में पिघला हुआ पानी खासतौर से कम हो गया है। पहले वालचेन झील में जलस्तर को जानबूझकर कम करना पड़ा था। ये एहतियाती कदम था ताकि वसंत ऋतु के दौरान भारी मात्रा में पिघले पानी से बढ़ा बाढ़ का खतरा नुकसान न पहुंचा दे। वहाँ इतनी बर्फ पिघलती थी कि हमें झील में उसके लिए जगह बनानी पड़ती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से ये बहुत कम हो गया है। झील उसे सोख लेती है, इसलिए हमें जल स्तर कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्विट्जरलैंड के एंगाडिन पहाड़ों में किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए सदियों से बर्फ के पिघले पानी पर निर्भर रहे हैं, लेकिन पिघला हुआ पानी एक सीमित संसाधन बन चुका है। रीटो डंसर उन लोगों में से हैं जो बारिश के पानी पर निर्भर हैं।
अब गर्मियों में बेहद सूखे मौसम के कारण उनका घास का मैदान पूरी तरह से सूख चुका है। Also Sie sehen hier wirklich dürr wie Heu. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भूसे की तरह सूख गया है। मई के बाद से कुछ भी नहीं उगा है। साल के इस समय में घास घुटनों तक आनी चाहिए और गायें जल्द ही पहाड़ी चरागाहों से नीचे आने वाली हैं। उनकी गायें अब भी 1900 मीटर की ऊंचाई पर चर रही हैं, लेकिन वहां भी बेहद सूखा पड़ा हुआ है। गायों को पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। वो कुआं जो आमतौर पर उन्हें पर्याप्त पानी मुहैया कराता है, 2018 की गर्मियों में लगभग पूरी तरह से सूख गया था। बूंद बूंद की कदर है। रीटो डंसर नियमित रूप से मवेशियों की जांच करते हैं। उन्हें अपने अल्पाइन चरागाह के भविष्य का डर है। हमारे पास 90 गायें और उनके बछड़े हैं। यहाँ एक बछड़े के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। बादल घिर रहे हैं, लगता है बारिश हो सकती है, लेकिन नहीं, एक और बेहद सूखा दिन। इस किसान को पानी के एक वैकल्पिक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ेगा। फिलहाल चरागाहों पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है। हेलीकॉप्टर एक बार में 700 लीटर पानी पहुंचाता है और कुएं को भरने के लिए कई चक्कर लगते हैं। कुल लागत आती है करीब 1300 यूरो। ये सिर्फ 4 से 5 दिनों के लिए ही पर्याप्त है। इतना पानी ही नहीं है जिसे जानवर पी पाएं या जानवरों की सर्दियों वाली चरागाह में इस्तेमाल किया जाए। आने वाली सर्दियों के लिए हमारे पास पशुओं का पर्याप्त चारा नहीं होगा। या तो हम थोड़ा चारा खरीद सकते हैं जो कि बहुत महंगा है, या हम मवेशियों की संख्या कम कर देते हैं। रीटो डंसर को पहले ही अपने कुछ जानवरों को मारना पड़ा है। पूरे आल्प्स में गंभीर बदलाव आ रहे हैं। यहाँ ऑस्ट्रिया में पहाड़ियों के भूस्खलन को रोकने के लिए विशेषज्ञों की टीमें लगातार ड्यूटी पर हैं। लंबे समय तक सूखा पड़ने और अत्यधिक गर्मी की वजह से अक्सर जंगल में विनाशकारी आग लग जाती है, जैसा इटली के पीडमोंट क्षेत्र में देखा गया। जलवायु परिवर्तन, कभी पानी की बेहद कमी और कभी कुछ ज्यादा ही पानी। इंडोनेशिया का जावा द्वीप इसकी बड़ी मिसाल है। पर्वतीय इलाकों के जंगल बारिश के पानी को जमा करने में मदद करते हैं, लेकिन वो तेजी से काटे जा रहे हैं, जिससे बारिश का पानी बहकर बिना किसी रुकावट के घाटियों में आ रहा है। कभी कभी पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज बहा ले जाता है। ये फुटेज 2017 और 2018 की है। स्थानीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि सदी के मध्य तक जलवायु परिवर्तन के कारण अकेले इंडोनेशिया में 4 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। किसान जो अपने खेत नहीं जोत सकते, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग जिनकी टिन की छत वाली झोपड़ियां समुद्र में डूब गई हैं, और पेंटाई बहागिया जैसे छोटे समुदायों के निवासी आने वाले समय में वो भी बढ़ते जलस्तर के कारण भागने के लिए मजबूर होंगे। हैप्पी बीच नाम के गांव के एक छोर पर स्थित कब्रिस्तान में लगभग 1000 लोगों को दफनाया गया था।
कई लोगों को तो शाश्वत शांति में भी आराम करने की जगह नहीं मिलेगी। तापमान न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि हर जगह बढ़ रहा है। इसका कारण है घरों और दफ्तरों में ज्यादा एयर कंडीशनिंग। टेक्निकल यूनिवर्सिटी आखेन के विशेषज्ञ इसी पहलू पर काम कर रहे हैं। उनका एक पायलट प्रोजेक्ट ये किचन स्टूडियो है। जब आप पर्दे के पीछे देखते हैं तो ऊर्जा बचत की तकनीक दिखाई देती है। पूरी इमारत एक ऐसे कपड़े से ढकी है जो सूरज की किरणों को दूर रखती है। बस एक कदम पीछे हटिए और ये दोबारा भीतर से अदृश्य हो जाता है। ये एक ऐसा प्रयोग है जिसने किचन डिजाइनर सुजाने और लोव्स्की की कोशिशों को सफल बनाया है। जैसे गर्मियों में ठंडा करने की कम लागत, जिसका मतलब है ग्रीन हाउस गैस का कम उत्सर्जन। ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है, हालांकि बहुत छोटे पैमाने पर है। साथ ही मध्यम मात्रा में कांच का भी इस्तेमाल हुआ है। फिर भी इमारत के चारों ओर सिर्फ इस कपड़े का खोल इमारत के जलवायु नियंत्रण में सालाना लगभग 1.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड बचा सकता है। पिछले कुछ समय से विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की मशीनों ने केवल फैशनेबल कपड़े ही नहीं बुने हैं, वो टिकाऊ उत्पादों का भी इस्तेमाल करते हैं जो जलवायु को बचाने में मददगार हो सकते हैं। कपड़े के पहलुओं पर शोध एक अंतर विषय प्रयोग है। कभी चर्च रहे आखेन के इस को वर्किंग स्पेस में आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियरों, पर्यावरण इंजीनियरों और जलवायु इंजीनियरों के साथ साथ नेत्र रोग विशेषज्ञों के साथ काम करते हैं। उनकी साझा कोशिशों के नतीजे आशाजनक हैं। एक पारंपरिक इमारत में 80% अनुपात में ग्लेजिंग यानी कांच का इस्तेमाल होगा, जो अत्यधिक पारदर्शी होता है। हम कूलिंग ऊर्जा में 78% तक की बचत कर सकते हैं और कुल ऊर्जा खपत का 60% या 65% घटा सकते हैं अगर हम इस कपड़े का खोल इस्तेमाल करें। ये कल की दुनिया जैसा लगता है और कभी कभी ऐसा दिखता भी है। बीलेफेल्ड के इस पार्किंग गैरेज में आखिर का ये कपड़ा इमारत के क्लाइमेट फुटप्रिंट और इसकी खूबसूरती दोनों में सुधार करता है। अब हम कोलोन में न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की प्रस्तावित संभावित ग्रीन हाउस गैस कटौती की तीसरी और अंतिम श्रेणी में आ चुके हैं। इसमें खास तौर पर ऐसे चुनौतीपूर्ण उपाय शामिल हैं जिन्हें आज तक शायद ही कभी लागू किया गया हो। इनमें शामिल है इमारतों को ठंडा करने में होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, साथ ही उद्योग और खेती में भी कमी करना। पोट्सडम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के सहनिदेशक अर्थशास्त्री ओटमार एडेनहोफर दाईं ओर अपने सहयोगी हरमन लोड्स कैंपेन के साथ हैं। ये कृषि अर्थशास्त्री कृषि क्षेत्र में होते उत्सर्जन में भारी कटौती देखना चाहते हैं। खाद्य उत्पादन सभी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के 1/4 के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए जर्मनी में लोग प्रति सप्ताह औसतन 1.2 किलो मांस खाते हैं। इस आंकड़े को मौजूदा मांस खपत का लगभग 1/4 तक कम करने से बड़े पैमाने पर फायदा होगा। 300 ग्राम प्रति सप्ताह मौजूदा मात्रा का 1/4 है, इसलिए हम मांस खा जरूर रहे होंगे, शायद सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 बार, लेकिन ये उत्सर्जन को कम करने की दिशा में दूरगामी नतीजे देगा। जलवायु विशेषज्ञ निकलास होइने के अनुसार अंतिम श्रेणी से संबंधित सभी तीन उपायों के इस्तेमाल से अतिरिक्त 3.3 गीगाटन की कटौती हो सकती है। सभी को एक साथ जोड़ने पर ये लगभग 20 गीगाटन बनेगा, जो लक्ष्य के लिए आवश्यक 30 गीगाटन से थोड़ा कम है। तो ऐसा लगता है कि इन सभी कोशिशों के बावजूद खेल खत्म हो गया। पारंपरिक साधनों से इससे ज्यादा कटौती बिल्कुल संभव नहीं, तो अब क्या? अगर हम बिना परवाह किए आगे बढ़ते रहे तो सदी के अंत तक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम की वृद्धि हो जाएगी। ये एक विनाशकारी जलवायु परिवर्तन होगा और स्थितियां असहनीय हो जाएंगी। सभी तीन श्रेणियों में उपायों को लागू करने का मतलब 2030 तक 20 गीगाटन की कमी हो सकती है, जिससे सदी के अंत तक तापमान 1.8 डिग्री तक बढ़ जाएगा। हालांकि दुर्भाग्य से ये 1.5 डिग्री तक पहुंचने के लिए काफी नहीं होगा, फिर भी ये एक बड़ा सुधार होगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। यहाँ
मेयोबुला नदी के किनारे हर जगह निराशा है। उत्तरी कैमरून में साल में सिर्फ 2 महीने अगस्त और सितंबर में बारिश होती है। साल के बाकी दिन लोगों को पानी ढूंढने या तो काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता है या गहरी खुदाई करनी पड़ती है। यहाँ के पुराने बाशिंदों का कहना है कि चाड झील में बहने से पहले पानी भरपूर मात्रा में मेयोबुला और लोगों नदी में बहा करता था, लेकिन लगातार कम हो रही बारिश के कारण अब वो दिन नहीं रहे। पड़ोसी देश चाड की तरह कैमरून भी विनाशकारी सूखे से पीड़ित है। जिस झील ने पड़ोसी देश को अपना नाम दिया वो इस क्षेत्र में पानी का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवासन संगठन से जुड़े मशौरी मुलिरो ने उत्तरी अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में घूमते हुए वर्षों बिताए हैं। एक नाजुक दिखने वाले पेड़ की हल्की छाया में वो मोहम्मद इब्राहिम से बात करते हैं। वो चरवाहा हैं और चाड झील पहुंचने से पहले अपने मेहमान को उनके परिवार की झेली भयानक कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। जलवायु परिवर्तन का हम चरवाहों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर बारिश ना हो तो पौधे नहीं उगते और हरे चारे के बिना हमारे जानवर मर जाते हैं, इसलिए मेरे जैसे चरवाहों को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। चाड की ओर से, नाइजीरिया की ओर से, कैमरून की ओर से, नाइजर की ओर से, सभी लोग इसी स्रोत पर निर्भर थे। आप समझ सकते हैं कि ये झील अनोखी है। ये एक सूखे इलाके में ताजा पानी है। बहुत सारे लोगों की आजीविका चाड झील पर निर्भर है। यदि चाड झील लुप्त हो जाती है तो ये गंभीर पर्यावरणीय आपदा होगी, क्योंकि चाड झील के बिना ये क्षेत्र रहने लायक ही नहीं बचेगा। सभी लोग पशुधन की जांच करने के लिए निकलते हैं। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर मोहम्मद इब्राहिम का बेटा पशुओं को चरा रहा है। रास्ते में कारों का छोटा कारवां जमीन के अनगिनत सूखे गड्ढों में से एक से होकर गुजरता है। हजारों की संख्या में ये गड्ढे चाड झील का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर झील लगभग चौंकाने वाली दर से सिकुड़ चुकी है। ১৯৬৩ में चाड झील 25,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। 2007 तक ये केवल 2,500 वर्ग किलोमीटर बची, यानी 90% से भी कम। लगता है ये अभी और सूखने वाली है। मध्य अफ्रीका में लाखों लोग पहले ही तेजी से सूख रहे इस इलाके को छोड़कर दक्षिण की ओर चले गए हैं। वहीं कुछ लोग उत्तर यानी यूरोप की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 4 करोड़ लोग अब भी झील के सिकुड़ते किनारों पर रहते हैं। अगर चाड झील पूरी तरह से सूख गई, तो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग जलवायु शरणार्थी बन जाएंगे। मोहम्मद इब्राहिम और उनका पूरा परिवार पहले से ही पर्यावरण प्रवासियों की श्रेणी में आता है। मेरे पास कई जानवर थे, करीब 60 से 70, लेकिन पानी कहीं भी नहीं है और अब कोई पौधा भी नहीं उगता। 5 को छोड़कर सभी ऊंट मर गए। हम पहले नाइजर में थे, फिर नाइजीरिया में, और अब हम चाड में हैं। यहाँ भी स्थिति बेहतर नहीं है और हमें जल्द ही आगे बढ़ना होगा, जहाँ अब भी पानी हो, शायद दक्षिण में। चाड झील लाखों लोगों के लिए जीवन का स्रोत बनी हुई है, लेकिन जैसे जैसे ये सिकुड़ती जा रही है, पानी लगातार दुर्लभ और अधिक मूल्यवान संसाधन बनता जा रहा है। यही हाल कृषि योग्य भूमि और झील में पाई जाने वाली मछलियों का भी है। जैसे जैसे चाड झील छोटी होती जाएगी, इन संसाधनों के लिए जोर आजमाइश होगी। क्षेत्र के मछुआरों को अब भी कार्प, नील पर्च
और तेलापिया की कम होती मात्रा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो उम्मीद बंधाती हैं, जैसे पड़ोसी सूडान में जब एक स्थानीय फेयर ट्रेड संगठन का उसके फंडिंग पार्टनर बर्लिन स्थित एक ग्रीन ऑनलाइन सर्च इंजन इकोसिया ने दौरा किया, हम वहां मौजूद थे। पौधारोपण अधिकारी कथरीना स्पेथमन मार्टिन बर्गकैंप के अपनाए सस्टेनेबल नजरिए की प्रशंसक हैं। वर्षों से उनका छोटा सा एनजीओ सूडान में महिलाओं को बबूल उगाने में मदद कर रहा है। आंकड़ों की नियमित जाँच की जाती है, कितने पौधे रोपे गए और कितने जीवित बचे। 2021 में 4 लाख पौधे रोपे गए और ये संख्या 2022 में लगभग दोगुनी हो जाएगी। 90% पेड़ परिस्थितियों का सामना कर जिंदा रहे, जो एक छोटा सा चमत्कार तो है ही। महिलाओं को अक्सर 40 डिग्री से अधिक तापमान में बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। इस कीमती पानी का आधा हिस्सा उनके परिवारों के लिए होता है और बाकी आधा उनके पेड़ों के लिए। इस परियोजना में कुल 400 महिलाएं शामिल हैं। ये पौधे भूजल तक पहुंचने के लिए अपनी जड़ों को दसियों मीटर गहराई तक ले जाते हैं। वो बेहद प्रतिकूल वातावरण में जीवित रह सकते हैं और एक प्राकृतिक उत्पाद भी देते हैं, जिससे अच्छा मुनाफा होता है। एकेशिया सेनेगल किस्म कुछ ही सालों में गोंद पैदा करना शुरू करता है, जिसका बड़ा फायदा है। इस गम अरेबिक का मतलब है कि हर पेड़ की कीमत 4 या 5 यूरो है, जो समय के साथ बढ़ सकती है, क्योंकि पेड़ और उत्पादन करते हैं। ये एक ऐसा पेड़ है जो लगातार आमदनी कराता रहता है। सूडान का एक बड़ा हिस्सा सूखा है, अक्सर बेहद कम या कहीं पेड़ पौधे कतई नजर नहीं आते। लेकिन जैसे ही हम शगरा गांव पहुंचते हैं, अचानक स्थिति नाटकीय रूप से बदल जाती है। लगभग 20,000 बबूल, पेड़ों का एक वास्तविक जंगल, जिसे नादिया इब्राहिम मोहम्मद ने अथक मेहनत और अन्य स्थानीय महिलाओं के पुरजोर सहयोग से यहां लगाया है। वो हमें दिखाती हैं कि पेड़ों की छाल कैसे काटी जाए, ताकि वो रस छोड़ सकें, जो जमकर मूल्यवान कच्चे माल में बदल जाए। गम अरेबिक का उपयोग अलग अलग प्रकार के खाद्य उत्पादों में किया जाता है, जिसमें कोका कोला भी शामिल है। पहला, बबूल हमें गोंद देते हैं, यानी नियमित आय। दूसरा, वो मिट्टी स्थिर करते हैं। तीसरा, वो रेगिस्तान को आगे फैलने से रोकते हैं। चौथा, वो हमारे इलाके की सभी वनस्पतियों की रक्षा करते हैं। और पांचवा, चूंकि बबूल बहुत मजबूत होते हैं और यहाँ जीवित रह सकते हैं, वो हमें छाया भी देते हैं। एक अकेला अंकुर अपने आप में ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन लाखों की संख्या में उभरते पेड़ों का मतलब सूडान के लिए उम्मीद है। अगर ये आंकड़ा अरबों तक बढ़ जाए, तो वो हमारी जलवायु समस्या को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। नादिया इब्राहिम मोहम्मद और शगरा गांव की अन्य स्थानीय महिलाएं साहेल क्षेत्र के लिए पेड़ों का महत्व जानती हैं। बेशकीमती गम से होने वाले मुनाफे की बदौलत उनके ज्यादातर बच्चे अब स्कूल जा पा रहे हैं। थोड़ा सा साथ और मिला तो वो आगे की शिक्षा और प्रशिक्षण लेकर नौकरी ढूंढ पाएंगे। हमारी टीम ने जलवायु परिवर्तन की जांच करते हुए करीब 3 साल तक दुनिया भर की यात्रा की। हमारा तत्काल ध्यान लगातार हो रहे ग्लोबल वार्मिंग के भयावह परिणामों पर था। बढ़ती छोटी बड़ी आपदाएं, जमीन पर लोगों के लिए बढ़ता खतरा और अपने घर अपने देश को छोड़कर जाते प्रवासियों की बढ़ती संख्या। हमने उन लोगों से भी बात की जो सक्रिय रूप से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर रहे हैं और इसे एक हारी हुई लड़ाई मानने से इनकार करते हैं। इनमें इकोसिया के संस्थापक क्रिश्चियन क्रोल भी शामिल हैं। कुछ लोग उन्हें आदर्शवादी कहते हैं। उन्होंने अपनी सफल कंपनी को एक गैर लाभकारी ऑपरेशन में बदल दिया। तब से निवेशकों की जेब में जाने के बजाय सारी अतिरिक्त कमाई को नए पेड़ों पर लगाया जाता है। अपनी वेबसाइट पर होने वाले प्रत्येक 50 सर्च पर इकोसिया ने खासतौर पर भूमध्य रेखा के आसपास स्थित
35 देशों में से एक में एक नया पौधा लगाने की प्रतिबद्धता जताई है। अब उनकी संख्या 17.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। एक टीम के रूप में 2030 तक कुछ अरब पेड़ लगाना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जो वाकई जरूरी बात है वो है समाज में एक बड़े पुनर्विचार को प्रेरित करना। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ने से रोकना नहीं, बल्कि इस बात पर भी गंभीरता से सोचना कि पिछले कुछ दशकों में हमने जो बर्बाद किया है उसे सुधारें कैसे। भले ही कभी कभार आपको लग सकता है कि जलवायु परिवर्तन और उस पर बहस महज एक हवा थी, जनवरी 2018 को ही लीजिए, जब स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर 3000 को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां आखिरकार सर्दी वापस पहले जैसी आ चुकी है। स्कीइंग और टोबोगनिंग के लिए शानदार स्थितियां, पूरी तरह से ताजा बर्फ, दुनिया भर से आए खुश स्की लिफ्ट ऑपरेटर और छुट्टियां मना रहे परिवार। मुस्कुराओ। 2018 के वसंत में माहौल बेहद उत्साहपूर्ण था, वैज्ञानिक भी बेहद खुश थे। ज्यूरिख में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्लेशियर विशेषज्ञ मथियास हुस के नेतृत्व में एक टीम साल में दो बार पहाड़ों का दौरा करती है, एक बार वसंत ऋतु में और फिर शरद ऋतु में, जब यहाँ अगला मौसम शुरू होता है। वो जांच करते हैं कि सर्दियों में कितनी ताज़ा बर्फबारी हुई और उसकी ऊपरी सतह की मोटाई कितनी थी। जितनी ज्यादा बर्फ होगी ग्लेशियर की स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। 25 अप्रैल 2018 को ये लंबे वक्त के बाद दिखी एक बेहतर स्थिति थी। सर्दियों में 5 मीटर से ज्यादा मोटी बर्फ गिरी। हमने पूरे स्विट्जरलैंड में 7 ग्लेशियरों पर बर्फ पानी के बराबर माप लिया है। हमारे आंकड़ों से पता चला है कि 2018 में बर्फ की चादर की मोटाई औसत से काफी ऊपर थी। स्विट्जरलैंड में हर जगह बर्फ इतनी गहरी नहीं थी जितनी यहाँ थी, लेकिन ऐसा लगता है कि सामान्य वर्ष की तुलना में शायद 50% ज्यादा बर्फ थी। मथियास हुस सर्दियों में वापस आएंगे और हम भी। जलवायु परिवर्तन का एक जगमग पहलू किस्मत पर भरोसा रखना और कुछ नहीं बल्कि भोली और अंधी सोच रखना होता है। लीक से हटकर सोचने वाले शोधकर्ता, दूरदर्शी और बाकी लोगों का यही मानना है, कुछ आइडिया अतरंगी जरूर लगते हैं, जैसे मानो आसमान से बरसता सोना, और वो भी छप्पर फाड़ के। डेनिश जर्मन सीमा के ऊपर लॉन्च की गई ये पतंग हैम्बर्ग स्थित स्काई सेल्स ने बनाई है। ये पवन ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश का हिस्सा है, जहां ये लगभग असीमित मात्रा में उपलब्ध है, जमीन से बहुत ऊपर। एक रस्सी पतंग को हवा में लगभग 700 मीटर की ऊंचाई तक खींचती है। इस बीच बिजली वाला जनरेटर चालू हो जाता है। ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद पैराग्लाइडर को न्यूनतम ऊर्जा खर्च के साथ वापस जमीन पर खींच लिया जाता है और यो-यो का ये खेल दोबारा शुरू हो जाता है। हवा से हरित ऊर्जा, वो भी भरपूर। बेहद ऊंचाई वाली हवा हमें ज्यादा ऊर्जा देती है और जमीन के पास या सामान्य विंड फार्म की ऊंचाई पर मौजूद हवा की तुलना में स्थिर आपूर्ति देती है। पेड़ों, इमारतों या पहाड़ों से धीमा होने के बजाय ये स्वतंत्र रूप से बह सकती है। यही वजह है कि हम इसका ज्यादा भौतिक फायदा उठा सकते हैं। हवा की गति दोगुनी और ऊर्जा पैदावार 8 गुना। पतंग संचालक जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाले डीजल जनरेटरों को हटाने के लिए इस तरह के छोटे उपकरण इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लान इससे भी बड़ी पतंग का है, जो 1 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन करेगी।
ये खास तौर से समुद्र, समुद्र तटों और बड़े विंड फार्मों में बड़े पैमाने वाले बिजली संयंत्र के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सही है। इस पतंग को ठोस और पक्की नींव के बजाय एक छोटे से तैरते पीपे पर भी लगाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण दशक में जर्मनी के ऊर्जा इस्तेमाल में बदलाव के एक घटक के रूप में स्काई सेल्स की बनाई ये पतंगें लंबी अवधि में ज्यादा हरित ऊर्जा का उत्पादन करने का आकर्षक तरीका है। वो जियो इंजीनियरिंग से लेकर विज्ञान कथा पर आधारित कई विचारों में से एक है। ग्रहीय पैमाने पर तकनीकी हस्तक्षेप। ऊंचाई पर सिरस के बादल एक गुंबद जैसे होते हैं, जिसके नीचे गर्मी अटकी होती है। अगर आप रसायन डालकर उन्हें हटा दें, तो गर्मी ऊपर वायुमंडल में उड़ सकती है, या इससे उलट आप हजारों जहाजों पर लगी टरबाइनों की मदद से ज्यादा बादल पैदा करें। लेकिन कम ऊंचाई पर ये ऊन जैसे दिखने वाले बादल आपको छांव देने का काम करेंगे। यहाँ से चीजें वाकई विशाल आकार लेती हैं, जैसे अंतरिक्ष शटल समताप मंडल में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़े। इससे एक बड़े ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह निकली धूल पृथ्वी को ठंडा कर देगी। सल्फर के बजाय बाकी क्लाइमेट फिक्सर पृथ्वी को सूरज से ढकने के लिए खरबों छोटी छोटी ढालों का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं, जो एक साथ मिलकर एक बड़ा सा छाता जैसा बन जाएगा। बेहद विशाल पैमाने पर आकाश आधारित जियो इंजीनियरिंग एक बेहद महंगा और जोखिम भरा विचार है। आलोचकों का कहना है कि बादलों के साथ छेड़छाड़ करने से दुनिया की जलवायु असंतुलित होकर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो सकती है। चूँकि अब खामियां निकालने के लिए समय नहीं बचा, इसलिए हर विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए। एक विचार ये है कि वायुमंडल से हानिकारक ग्रीन हाउस गैस को हटाया जाए, जैसा कि स्विट्जरलैंड स्थित क्लाइम वर्क्स की कोशिश है। टीम का कहना है कि तरक्की के बावजूद उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में असफल होने के कारण हमारे पास सीमित विकल्प रह जाते हैं। लगभग 2050 में हमें हर साल वायुमंडल से लगभग 10 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड को सक्रिय रूप से हटाना होगा, और हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। कुछ जैविक तरीके जैसे दोबारा समृद्ध जंगल बसाना या मशीनों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, जिससे काम हजार गुना जल्दी खत्म होगा। क्लाइम वर्क्स के पायलट वेंचर को वेस्ट टू एनर्जी बिजली संयंत्र में लगाया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इन विशाल संग्राहकों के जरिए हवा से ग्रीन हाउस गैसों को फिल्टर करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये आइडिया तभी काम करेगा जब इसके लिए अक्षय ऊर्जा इस्तेमाल हो। कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं को हवा से फिल्टर किया जाता है और तरलीकृत किया जाता है। सालाना उत्पादित 900 टन तरल को इस्तेमाल करने वाले पास के औद्योगिक ग्रीन हाउस जैसे समुद्र में केवल एक बूंद जितने हैं। क्लाइम वर्क पूरी तरह से अलग आयामों में सोच रहा है, यानी प्रतिवर्ष कई करोड़ टन। यही कारण है कि कंपनी ने नॉर्वे में ऊर्जा विशेषज्ञों के साथ सहकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये स्लाइपनर तेल और गैस ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। 25 साल से इसके नॉर्वेजियन ऑपरेटर यहाँ समुद्र तल के नीचे जमीन में CO2 के इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब वो एक नए आयाम में कदम रख रहे हैं। विशेष जहाज जल्द ही उत्तरी यूरोप के प्रमुख बंदरगाहों पर तरलीकृत CO2 लेने पहुँचेंगे, खासकर स्टील और सीमेंट उत्पादन जैसे प्रदूषणकारी उद्योगों से। वहाँ से सामग्री को तटीय शहर उई गार्डन तक पहुँचाया जाएगा। ये नॉर्वे के नए CO2 केंद्र का टर्मिनल होगा। आलोचकों का कहना है कि उत्सर्जन को बाद में रोकने के बजाय उसे पहले रोकना बेहतर होगा। फिर तर्क ये है कि ग्रीन हाउस गैस संवेदनशील पानी के नीचे के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। नॉर्वे में इसके थोड़े ही प्रतिद्वंद्वी हैं। देश की संसद ने भारी बहुमत से इस विचार को मंजूरी दे दी, जबकि सरकार भी पोलर लाइट परियोजना की प्रबल समर्थक है। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज या CCS शायद वर्तमान में जियो इंजीनियरिंग की दुनिया से उभरने वाला सबसे साध्य विचार है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार नॉर्वेजियन महाद्वीपीय शेल्फ 80 गीगाटन CO2 को अवशोषित कर सकती है, जो अगले 100 वर्षों तक यूरोप के पूरे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बराबर है।
पहला जहाज जनवरी 2024 की शुरुआत में यहां डॉक करने के लिए तैयार है। अभी हम नॉर्दर्न लाइट्स रिसीविंग टर्मिनल पर हैं। यहीं पर हमें पूरे यूरोप से CO2 प्राप्त होगी। ये वो घाट है जहां हम CO2 लेंगे, जहाज रुकेंगे। हम प्रति वर्ष 1.5 मिलियन टन CO2 लेंगे और इसे अप तटीय पंप करने और उत्तरी सागर के नीचे एक गहरे जलाशय में डालने से पहले अस्थायी रूप से यहां जमा करेंगे। ओई गार्डन से तरल CO2 को 100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए पंप किया जाएगा और फिर समुद्र तल से 2600 मीटर नीचे बलुआ पत्थर की एक छेदों वाली परत में इंजेक्ट किया जाएगा। शेल की 75 मीटर मोटी परत रिसाव को रोकती है। इन सभी प्रयासों के बावजूद ये संभावना नहीं है कि वो 2030 तक हमारे ग्रीनहाउस गैस उत्पादन को एक सहनीय स्तर तक कम करने में सफल होंगे। इसलिए एक अतिरिक्त योजना सक्रिय रूप से वायुमंडल से CO2 को हटाने की है, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी पैनल की नजर में भी एक आवश्यक कदम है। इन खतरों को संभाला जा सकता है। हमारे पास उत्तरी सागर की उपसतह का अनुभव है। हमने वहाँ 50 वर्षों तक तेल और गैस की खोज की है। हम उस अनुभव और भूविज्ञान के ज्ञान को CO2 भंडारण पर लागू करते हैं। हमारे पास इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जिन्होंने उपसतह का मूल्यांकन किया है और वो कहते हैं कि पहली और दूसरी सील के कारण, साथ ही अन्य भूवैज्ञानिक संरचनाओं के कारण, ये बिल्कुल सुरक्षित है। अगर ग्रीन हाउस गैसों को इकट्ठा करना काम आता है तो भी ये कोई फौरी समाधान नहीं है। कोई भी संभव स्थिति दूरगामी शोध और कटौती पर निर्भर करती है। क्या 1.5 डिग्री का लक्ष्य अभी भी संभव है? मैं सचमुच निराश हो गया हूँ। यदि हम 2 डिग्री तक रोक पाते हैं तो हम खुद को भाग्यशाली मान सकते हैं। हम हार नहीं मान सकते। हमें इससे लड़ना होगा और भविष्य और अपने बच्चों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। अगले 5 या 6 साल निर्णायक होंगे, जहां हमें वाकई गति पकड़नी होगी। बिल्कुल, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। आते हुए गर्म युग के संकेत हर जगह पाए जा सकते हैं। ठीक उसी तरह एक्टिविस्ट की दृढ़ता भी, फिर चाहे उनके तरीके कितने भी अपरंपरागत क्यों न हों। रूस के सुदूर पूर्व में क्लाइमेट एक्टिविस्ट निकिता जिमोव ने अपनी खरीदी गई जमीन के लगभग 20 वर्ग किलोमीटर बड़े हिस्से पर बाड़ लगा दी है। यहीं पर वो एक बेहतर और ठंडी दुनिया के अपने सपने को साकार करने की योजना बना रहे हैं। विशाल स्तर पर चल रहा एक प्रोजेक्ट, जिमोव प्रागैतिहासिक प्लाइस्टोसीन युग में आखिरी बार देखे गए इकोसिस्टम के हिसाब से एक इकोसिस्टम बनाने के लिए जानवरों की बहुतायत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके पास यहाँ चरने वाले 100 जानवर हैं, जैसे 12 सिंगा, बाइसन, घोड़े, गोजन, कस्तूरी बैल, भेड़ और यहाँ तक कि याक का एक छोटा झुंड भी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आने वाले वक्त में यहाँ 5,000 सर्वाहारी होंगे। ये क्लाइमेट इकोलॉजिस्ट सर्दियों में एक प्राकृतिक चमत्कार का संकेत देना चाहते हैं और उनके जानवर पहले ही इसकी शुरुआत कर चुके हैं। जैसे ही वो बर्फ के टीलों को रौंदते हैं, ठंड बिना किसी रुकावट के मिट्टी में दाखिल हो सकती है। ये वैज्ञानिक हमें दिखाते हैं कि कैसे उनका प्लाइस्टोसीन पार्क जमीन के काफी नीचे काम कर रहा है। कई हफ्तों के दौरान उन्होंने एक निजी परमाफ्रॉस्ट सुरंग प्रणाली तैयार की, जो एक लंबी वैज्ञानिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती है। उच्च गुणवत्ता वाले सेंसर और मिट्टी के अनगिनत नमूनों की जाँच से जो पता लगता है, उसमें सबसे ऊपर है कि बर्फ को दबाने जैसा अहम काम अपने 4 पैर वाले साथियों की मदद से किया जा सकता है। ये घोड़े, याक, बाइसन, 12 सिंघा ही हैं, जो सर्दियों में बर्फ खोदते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भोजन तक पहुंचना होता है। और जब वो बर्फ को रौंदते हैं तो 1 मीटर बर्फ के बजाय हमें 10 या 15 सेंटीमीटर घनी बर्फ मिलती है।
यानी एक मोटी जैकेट के बजाय आपके पास बस पतला फ्लीस होता है। कुछ सेंसर दिखाते हैं कि जिन जगहों पर कोई जानवर नहीं थे वहाँ मार्च महीने में जमीन का तापमान आधा मीटर की गहराई पर 0 से 10 डिग्री नीचे गिर गया, लेकिन पार्क में जहाँ हमारे जानवर बर्फ को रौंदते थे तापमान 0 से 24 डिग्री नीचे चला गया, तो ये 14 डिग्री का काफी बड़ा अंतर है। इससे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। मानवता भयावह भविष्य के परिदृश्य और बेहद भयानक भविष्य के बीच झूल रही है। हमें लड़ना होगा। ये जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग को हराने का सवाल नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम इंसान के अस्तित्व को किस हद तक बचा पा रहे हैं। वो दूरदर्शी जो ठंड से निकला है और वापस उसी में लौटना चाहता है। निकिता ज़िमोव जानवरों के विशाल झुंड के साथ दुनिया को बचाने के अपने मिशन में भले ही कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन जो उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया है वो ये कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो परमाफ्रॉस्ट के पिघलने और उसके नतीजतन ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के विनाशकारी प्रभावों को महसूस कर रहे हैं। सेखा गणराज्य की हमारी यात्रा हमें राजधानी याकुत्स्क ले जाती है। प्राग के शोधकर्ताओं के इस समूह की मेजबानी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड इकोलॉजी ऑफ द नॉर्थ कर रहा है। वो अभी अभी परमाफ्रॉस्ट में बने एक गड्ढे से लौटे हैं, जहां उन्हें विलुप्त प्रागैतिहासिक जानवरों की हड्डियां मिली। जिस स्थान पर जीवाश्म अवशेष पाए गए थे उसे बटा गायिका क्रेटर नाम दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोग इसे दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। देख कर समझ आता है क्यों। साठ के दशक में एक नई सड़क बनाने के लिए जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ कर दिया गया था। मूल रूप से पेड़ों के नीचे का परमाफ्रॉस्ट नष्ट होने लगा। इसके कारण सबसे पहले बना गड्ढा केवल कुछ ही मीटर गहरा था। औसतन मेगा क्रेटर 40 से 60 मीटर के बीच गहरा होता है और कुछ जगहों पर 100 मीटर तक गहरा होता है। ये 1.5 किलोमीटर लंबा है और अभी लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन ये तय करना कठिन है कि ये कितना चौड़ा है, क्योंकि इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। इस प्रकार की विनाशकारी घटनाएं तेजी से आम हो सकती हैं, और न सिर्फ आवासीय क्षेत्रों में बल्कि जंगल में कहीं भी, जहां भी तेल पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस केंद्र हैं, हमारा पूरा बुनियादी ढांचा प्रभावित हो सकता है। सितंबर 2018 में ग्लेशियर विशेषज्ञ मथियास हुस और उनकी टीम ने स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर 3000 का एक और दौरा किया। अप्रैल में भारी मात्रा में बर्फ देखकर उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला, और अब अगर हम अधिकतम प्रयास नहीं करते हैं तो जलवायु परिवर्तन से खतरे का पैमाना यहाँ पहले से ही साफ है। जिस ग्लेशियर को वो पार कर रहे हैं वो मर रहा है। सारी बर्फ जो इसे ढकनी चाहिए थी सिर्फ एक गर्मी के मौसम में गायब हो चुकी है। जब हम अप्रैल में यहाँ थे तो 5 मीटर गहरी अविश्वसनीय बर्फ की चादर बिछी हुई थी। बर्फ मोटी और सघन थी। जरा इसके बारे में सोचें। समुद्र तल से 3000 मीटर ऊपर 5 मीटर बर्फ गर्मियों के दौरान पिघल गई। हमने सोचा ही नहीं ये संभव भी होगा। 5 मीटर बर्फ और 1.3 मीटर हिमनद बर्फ, सब खत्म। एक निरंतर और अविश्वसनीय तबाही। मथियास हुस अपने प्यारे ग्लेशियरों को मरते हुए देख रहे हैं। ये किसी आपदा से कम नहीं।